सभ्याचार कोई अजिही वस्तु नहीं कि जिस नूं एक कैपसूल विच बंद किया जा सके। डंडी ए बहुरंगा सभ्याचार ना केवल कदे कदाई कम सीखण वालियां लई कठिन साबित हो सकता है, सगों वड्डे वड्डे माहिरां लई भी औखा है। डंडी बदकिस्मती नाल बाहर जाण वाले भारतीयां वल्लों सीधे साधे ढंगा नाल इस नूं पेश करन दे कारण यह कम होर भी कठिन हो गया है। डंडी उन्हां विच्चों बहुत सारियां लई कौमी सभ्याचार केवल अपने घरां विच जां दफ्तरां विच धूफ तखाउण जां नटराज दी मूर्ति रखण नाल ही पेश नहीं कीता जा सकदा। डंडी कुछ दूजे लोकां लई सभ्याचार दे अर्थ यह भी हो सकदे हन कि इस ज्ञान तों अलावा अपनी गलबात अते सरकारी फैलां विच हिंदी दी वरतों कीती जा सके। खास तौर ते स्थानक सरकार नाल चिट्ठी पत्र विच फिर भी सभ्याचार इन्ना चिन्ह मात्र चीज़ां दे भाषा विच योग्यता रखण तक ही सीमित नहीं हुंदा। डंडी इसका अर्थ एक खास किस्म का जीवन ढंग हुंदा है जो किसी डिप्लोमैट दे समुचे वतीरे तो जाणिया जा सकता है। डंडी इस मामले विच सभ्याचार का प्रगटावा संबंधित अधिकारियों के वतीरे विच एक खास किस्म का शिष्टाचार संकोच अते सहनशीलता द्वारा किया जा सकता है, जिस दी कमी नूं केवल काली अचकन जां रेशमी पगड़ी बन के ही पूरा नहीं किया जा सकता। डंडिंग पर भारतीय राजदूत अमले नूं अपने देश दे सभ्याचारक प्रतिनिध बनाने लई जो नवी मुहिम शुरू की जा रही है उस ते सफलता का पता कुछ समय बाद ही लगेगा। डंडिंग पर हाल की घड़ी पार्लीमेंट दे एस्टीमेट कमेटी वालों इस विषय ते जो जोर दिता गया है उस तो प्रगट हुंदा है कि साडे विधानकार जदों बाहर जाते हैं तो उन्हां विचों सारे दे सारे भारतीय सभ्याचार दे नमूने नहीं हुंदे, पर फिर भी उन्हां नूं ये वेख के दुख हुंदा है